हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? गर्मी जैसे कि बहुत बढ़ गया है, और फिर इस वजह से मैंने अपने देखो बाल भी थोड़े छोटे करवा लिए। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे करवा लिए। मैंने सोचा अब लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत कर लिया जाए। आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? एडजस्टमेंट, ठीक है ना। हम मैंने कहा कि देखो थोड़ा टाइम मैं लूंगा, बट डेफिनेटली आपको याद लाइफ टाइम तक रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एसेट्स था, एसेट्स पे क्या क्या एडजस्टमेंट किया था एक बार फटाफट रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मशीनरी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन में देखा था हो सकता है परसेंटेज बाय में हो सकता है टू में हो। जब टू में होता है तो उसका मतलब होता है उतने का बच गया, और बाय में उतने से घट गया। हो सकता है ओवर वैल्यूड हो, तो पहले से ही ओवर वैल्यूड है तो उसको माइनस करेंगे। अगर परसेंटेज में है ओवर वैल्यूड तो हम क्या करते हैं, 10/110, इस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। बाकी आपने अगर किसी ने मिस करी है क्लास तो आराम से आप पीछे देख सकते हो, और मैंने अभी क्लास रखा हुआ है वो, और पीछे की क्लास देख सकते हो आप इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आज का जो एडजस्टमेंट है, मैं आपसे बताऊं, मैक्सिमम बच्चे इसमें परेशान रहते हैं और गलती करते हैं। जैसे कि हमारा जो जर्नल एंट्री करने का जो स्टाइल है, हम को जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जर्नल एंट्री भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जर्नल एंट्री भी रिकॉल हो रहा है। तो वही आज हम लेके चलेंगे जिससे आपको समझ आए। आज डेटर पे देखेंगे, और बहुत सारे डेटर पे एडजस्टमेंट अलग अलग तरीके से। 11th में आपको याद होगा कि डेटर ही सबसे ज्यादा परेशान करता था। सपोज करो मैंने यहाँ पे डेटर 1 लाख ले लिया, 1 लाख, है ना। मैंने एडजस्टमेंट थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्रिएट या चार्ज, क्रिएट बोल दे या चार्ज बोल दे या मेक बोल दे या रिड्यूस या मेक बोल दे, क्रिएट चार्ज या मेक प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब और डाउटफुल का मतलब, ठीक है ना। क्रिएट चार्ज मेक, इन सब का तो मतलब एक ही, कि बनाना। इन सब का मतलब है आपको और बनाना है, बनाना का इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला 300 का खर्चा है तो और खर्चा बढ़ा दो, तो इतना बढ़ाना या बनाना हो गया। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, और डाउटफुल डेट्स मतलब संदिग्ध। डाउटफुल बोलते हैं ना, मेरे डाउटफुल है ये, तो संदिग्ध। तो जो डेटर मेरे डाउटफुल है उस पे प्रोविजन बनाना, और यहां मैंने परसेंटेज में दिया। जैसे सपोज करो परसेंटेज दिया मैंने 5%। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका डेटर है 1 लाख रुपए, ये डेटर 1 लाख रुपए मत मानो आप, इसमें अभी मान के चलो कि 5% डूब जाएगा। तो आपको अच्छे से याद होगा कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर फ्यूचर में लगता है कि लॉस है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट है तो उसको इग्नोर करो। हमने देखा था ना 11th क्लास में, प्रिंसिपल और जो भी हमारे अजम्पशन और प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पे 5% है, तो इसका मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझो, मैं एक बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि जो मेरा डेटर 1 लाख रुपए का, उस पर मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि उसमें से 5% डूब सकते हैं फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में डूब सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट आज ही करेंगे। कैसे ट्रीटमेंट होगा? बड़ा ही सिंपल है इसका ट्रीटमेंट होगा। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविजन, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, फॉर डाउटफुल डेट, और ये 5K माइनस होके हमारा आ गया 95K। अब मुझे आप बताना, डाउट है तो मेरा डेटर पहले 1 लाख का था, अब हमारा 95,000 का है, तो नुकसान फायदा है? बताओ सर, पहले 1 लाख का था एसेट्स, अब 95 का है तो नुकसान है सर ये?
बिल्कुल ठीक। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे सर? रिवेल्युएशन में नुकसान तो इस दस साइड में आता है, लॉस तो इस साइड में आता है, तो इस साइड ही दिखाओ ना। बिल्कुल बच्चे ठीक बोल रहे हो आप। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर नहीं लिखूंगा बच्चे, मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। शायद आपको याद हो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता था, तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखता था, मशीनरी लिखता था, याद है ना? मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ बच्चे में भी हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले जाएं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। लास्ट एडजस्टमेंट को याद करो, मैं यहां मशीनरी लिखता था, अगर मशीनरी मेरा कम हुआ तो टू मशीनरी दिखाता था, डेप नहीं दिखाता था मैं। लेकिन डेटर में ऐसा नहीं है, मेरा डेटर कम हो सकता है कि कम हो गया, पहले मुझे ये बताओ, सोचो ना। अरे सोचते क्यों नहीं हो? मेरा डेटर कम हो गया या हो सकता है, इसका मतलब क्या है सर? प्रोविजन का मतलब है कि इन फ्यूचर में हमारे डेटर घट सकते हैं। तो ये 100% है या 100% से थोड़ा कम, बताओ? सर ये 100% से थोड़ा कम है, तो यानी कंफर्म नहीं है अभी, है ना? तो इसलिए जब कभी भी हम डेटर क्रिएट करेंगे तो यहां पर हम क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है? और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5K। और बाकी जिस बच्चे को थोड़ा भी डाउट है तो मैं भी काफी सारे एडजस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? हाँ सर क्लियर हो जाएगा। हर एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है, ईमानदारी से बताओ? हर एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है सर? दो एंट्री करते थे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बिल्कुल। तो मैंने यहां पे करा डेबिट और यहां करा मैंने क्रेडिट, ठीक है? अब डेबिट बताओ क्या होगा सर? डेबिट क्या होगा? नुकसान है तो रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आपका। डेबिट क्या होगा हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी रियलाइजेशन मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, क्योंकि अगला चैप्टर भी इससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना? क्रेडिट क्या हो रहा है? अब बताओ क्रेडिट क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर मेरा कम नहीं हो रहा अभी, डेटर आप तभी कम मान सकते हो जब 100% श्योरिटी हो। मैं पूरा भी एडजस्टमेंट करूंगा और ध्यान से सुनना, 100%। अगर बैड डेट्स होता ना, तो बैड डेट्स का मतलब पैसे क्या हुए, डूब गए या डूब सकते हैं? तो जवाब है सर बैड डेट्स का मतलब पैसे डूब गए, तब मैं यहां पे डेटर को कम करता। अभी फिलहाल डेटर को कम नहीं कर सकता मैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? डेबिट करूंगा प्रोविजन, और सॉरी क्रेडिट करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है? अब जल्दी जल्दी होशियार बच्चे हो आप, जनरल एंट्री बताओ सर। जनरल एंट्री जो इसका होगा, जनरल एंट्री होगा हमारा डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से? जैसे मेरे वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में 5,000 है, तो 5,000। बींग क्या लिखेंगे बच्चे? बींग लिखेंगे बींग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट, है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट। तो हम अभी, मैंने तो एक ही पार्ट लिखा है, अभी तो पता नहीं कितने पार्ट बन जाएंगे, मैं तो कोशिश करूंगा। तो इसको एक बार फटाफट से नोट करिए, है ठीक है? तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डेटर में से कम हुआ, रिवेल्यूएशन में गया। आप यहां से भी जनरल एंट्री बना सकते हो, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नोट करिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट करिए आप। इसे मिटा दूं मैं? हाँ सर, हाँ मिटा दो, हमने नोट कर लिया, बिल्कुल। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? और मिटाना क्या है, पॉइंट वन के बाद मैं पॉइंट टू लिखता हूं, पॉइंट टू बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। मैंने यहां 5% की जगह पे 0.2 में अगर मैं 2,000 लिख दूं तो कैसे करेंगे अमाउंट के केस में, बताइए? तो सर सिंपल सा जवाब है, यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कितना करने वाले हैं?
2000 और यहाँ हेयर 98,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 2000। फिर देखिए आप कि मैंने अमाउंट दे दिया तो परसेंटेज में तो हमने 1 लाख का 5% निकाला था तो 5,000 आया था। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले क्या करा था मैंने 1 लाख का निकाला था मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 100। पिछले वाले में अगर देखते हो आप लिखा है तो आपने तो 5%, अब अमाउंट दे दिया तो अमाउंट बस सेम एंट्री रहेगा, एक डेबिट में ये, क्रेडिट में ये। यहाँ पे कितने से कर देंगे, 2,000 रुपये से, है कि नहीं, 2,000 रुपये से कर देंगे। ये जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये पुरानी बैलेंस शीट आपको दे रखी थी पहले, और जो मैं बाद में करता हूँ उसका मतलब वो नई बनने जा रही है ना, ये ध्यान रखना। मैं पहले से जो दिखाता हूँ वो पुरानी है, अब नई, अब मैं बोल भी दूंगा अभी, ठीक है। तो सेकंड भी यही है, सेकंड नोट करिए फटाफट, फिर मैं थर्ड पे चलता हूँ। जल्दी जल्दी नोट करिए, मिटा दूँ इसे? हाँ सर मिटा दीजिए इसे, बिल्कुल बच्चे मैं मिटा देता हूँ, ये लो इस बार पूरा मिटा देता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पुरानी वाली बैलेंस शीट कैसी होती है, अभी दिखाते हैं। देखो कुछ नहीं लिखा इसमें, अभी हमने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ये है हमारी पुरानी बैलेंस शीट। मैं इसको पुरानी बैलेंस शीट बेसिकली बोलूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कई बार एग्जामिनर पुरानी बैलेंस शीट कैसे देता है, यहीं पे लेस करके दे देगा एग्जामिनर, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000। अब हो गए मेरे 98, पहले से दे रखा है, ये पहले से गीवन है पुरानी बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि आपको जो डेटर बनाना है वो बनाना है सपोज 5%। अच्छा सर ये तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया हमें। देखो ध्यान से देखोगे तभी तो आएगा। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर में 1 लाख है, डेटर में से हमने माइनस किया 2K, बचे कितने 98। जब 98 मेरी पुरानी बैलेंस शीट है तो मैं नई बैलेंस शीट तो अब जो करने जाऊंगा, अब मैं करूंगा वो होगा। क्वेश्चन कहता है भाई 5% डेटर बनाओ। इसके साथ साथ कई बार पता क्या कह सकता है, क्रिएट चार्ज मेक प्रोविजन इक्वल टू 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेट्स इक्वल टू भी कह देता है कई बार, इक्वल टू 5%, ये ऐसे बोल दिया। 10 भी बोल सकता है, 5 फिक्स नहीं है कोई, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मीनिंग ये है कि भाई डेटर पे 5% बनाओ, लेकिन जो पुरानी बैलेंस शीट है इसमें से तो पहले से ही 2000 बना हुआ है। अगर मैं 5% की कैलकुलेशन करता भी हूं तो 5% क्या कैलकुलेशन में आएगा, अगर मैं 1 लाख रुपए पे 5% निकालूं तो बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या आएगा सर, 5,000 आएगा। क्वेश्चन बोलता है आपको 5% के बराबर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं। अच्छा पहले से कितने बने हुए, 2000, तो हमें टोटल 5 करना है, तो और करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। अब बताओ पुरानी बैलेंस शीट में डेटर कितने का था, 98 का था, क्योंकि पहले तो माइनस करके ही दे रखा था, 98 था। अब कितने का बचा हमारा, 3 माइनस करने का था 95, तो नुकसान अल्टीमेटली कितने का हुआ, सिर्फ 3000 का। भले ही, अरे सुनो ना आप क्यों नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूं भले ही 5% था, टोटल 5,000 है, लेकिन पहले हम लॉस बुक कर चुके हैं, कितना लॉस पहले ही बुक कर चुके हैं, 2000 रुपीज, ठीक है। हमें टोटल लॉस बोल रहा है कि आप मान के चलो कितना होना चाहिए आपका 5,000, जिसमें से बुक कितना कर चुके हैं 2,000, तो स्टिल कितना और करना चाहिए 3,000। तो नाउ यहां पे जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिखाएंगे टू साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम 3,000, ना कि 5,000, इस बात को ध्यान रखना है। समझ में आया आपको ये थोड़ा सा, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 में कराने जा रहा हूं, ये लो पार्ट, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर यहां तो चेंज करो, कर दिया लो। तो पहले से हमारा 2 था, टोटल हमें 5 बनाना है, तो और कितना बनाना चाहिए, 3, तो टोटल हो गया। अब दो एंट्री बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, दो एडजस्टमेंट बताइए किधर किधर लेके जाए। सर ये तो आपने रटवा दिया है हमें। भाई मैं रटवा कुछ नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कि हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं। जब भी तो आपके बुक का नाम देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। डेबिट क्या होगा,
डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अमाउंट का लफड़ा है, अमाउंट का मेन समस्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है आपका अमाउंट का, तो बताओ अमाउंट क्या आएगा? हम 5000 लिखे या 3000 लिखे, कितना लॉस है? एंट्री तो यहां से कर रहे हैं ना, तो यहां कितना है? 3000। सिंपल, सोचने क्यों लग जाते हो आप? बड़ा जल्दी सोचने लग जाते हो। बीइंग में क्या लिखोगे? मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट चार्ज कुछ भी है, 5% लिखोगे। समझ में आए? थर्ड पॉइंट था ये, अभी बड़े सारे पॉइंट करने वाले हैं। अब जल्दी जल्दी से एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं अगला अब थर्ड के बाद फोर्थ कराऊंगा इसका। जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर नोट करिए आप, या फिर अभी मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे देता हूँ नोट करने के लिए, तो इसलिए आप नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना? कर लिया? हाँ सर, कर लिया। चलो फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ पे मैं आपके लिए मिटा मिटा के करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी दोबारा नोट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मैं मिटा मिटा के करता हूं, नहीं तो मुझे क्या था, मैं थोड़े थोड़े अमाउंट चेंज करके कर देता, इसलिए लो आपके सामने से मिटा दिया मैंने। ओके सर, आपने मिटा दिया, हम भी दोबारा करेंगे फिर। इस साइड में आएगा, टू साइड में, ठीक है? टू साइड में सपोज करो, ओल्ड बैलेंस शीट ही बना रहा हूं मैं अभी, डेटर दे रखा है 1 लाख का, और लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड में मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रोविजन, जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने यहां माइनस करके दिखाया था 2000, लेकिन उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो मैं यहां माइनस करके दिखा दूं, अगर मैं माइनस नहीं करता तो मैं डायरेक्टली इधर भी दिखा सकता हूं, ऐसा प्रोविजन है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब कि सर अगर आप यहां पे लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से 4000 रुपीज, तो इधर अब ठीक है, नहीं तो ये वाला नहीं दिखाना अब ये। ओके, इसका मतलब क्या सर? अगर हम यहां नहीं दिखाना चाहते माइनस करके, देन हमें यहां दिखाना पड़ेगा क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पुरानी बैलेंस शीट चल रही है अभी ये 4000 रुपीज, ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलिए, मैंने बोला अगेन कि आपको 5% के बराबर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, तो 5% के बराबर बनाना है तो कितना बनेगा हमारा 5% के बराबर? देखो मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है, क्या 5000 रुपीज। डेटर था कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का 5% 5000 रुपीज, ठीक है? पहले से कितना बना हुआ है हमारा? 4%, 4K, यानी 4000 रुपीज, 4000 पहले से बना हुआ है। टोटल कितना बनाना है हमें बताओ? 5000। पहले से कितना बना हुआ है? 4000। तो और कितना क्रिएट करना चाहिए? 1000। तो नाउ कैसे करें इसको? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक काम करता हूं, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम, तो नई बैलेंस शीट में क्या करने वाले हैं, मैं एक नई बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना? आप उसको पॉज करके लिख लेना, नई बैलेंस शीट में क्या करेंगे। ये मेरे पास नई बैलेंस शीट है, ठीक है, ध्यान देना, ये हमारे पास नई बैलेंस शीट है एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं यहां लिखूंगा डेटर, डेटर 1 लाख, और क्वेश्चन बोलता है इक्वल टू 5% बनाओ। सीधा मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इधर नई बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट नई वाली में, इस साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 5K कर दूं, क्योंकि टोटल 5K बनना है, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मैं यहां से क्या करूं, मैं लेस करके एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5K करके यहां 95K दिखा दूं मैं। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना? हम तो दोनों में से जो अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है सर क्या ऐसा कर सकते हैं, 4 यहां 1 यहां से माइनस करें? देखो हो तो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक सही नहीं रहेगा,
क्योंकि एक चीज आपको कहते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलना पड़ता है, कंसिस्टेंसी, जैसे पहले करते आए थे वही मेथड लेंगे। तो ये कर सकते हैं कि इसमें से डायरेक्ट 5,000 माइनस करें, या फिर इधर डायरेक्ट 5,000 दिखा दें, ठीक है ना? समझ में आई ना आपको? अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको समझाने के लिए था। अब मेरे पास 5% बनाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, 5% बनाना है, ये पुरानी बैलेंस शीट है, तो मैं नई बैलेंस शीट का कुछ चेहरा बदल देता हूँ, थोड़ा सा नई बैलेंस शीट इसी को बना देता हूँ। तो इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, रहने दो, हटो, और मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, कितने का, 5K का। अब बताओ मुझे नुकसान कितने का है, 5,000 रुपये का नुकसान है, 4,000 रुपये का नुकसान है, या 1,000 रुपये का? सर पहले से 4,000 बना हुआ था, टोटल 5,000 बना दिए, तो नुकसान तो एक का ही हुआ ना। बिल्कुल सही, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कितना आएगा, 1,000 रुपये। समझिए इस बात को, फिर से दो एंट्री लेके चलते हैं। एडजस्टमेंट को एकदम ध्यान से धीरे धीरे देखना, कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है। एक तो डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या होगा हमारा बताइए सर? जो डेबिट होगा वो होगा रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट क्या होगा सर? क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि लाइबिलिटी। अब क्रेडिट पता है क्यों हो रहा है? अब लॉजिक बताता हूं। मैंने बोला ना हम इसे लिख देते हैं, एसेट्स में से कोई चीज लेस करोगे, यानी डेबिट वाले में से लेस करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब मैंने यहां पे एंट्री क्या करा, रिवैल्यूएशन, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, समझे आप? अब अमाउंट की बारी है, अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,000 रुपये, बस अमाउंट लिखेंगे हम 1,000 रुपये। तो अब इसको एक बार फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे और भी देखेंगे, पार्ट 4 था, अब पार्ट 5 देखेंगे। एक बार फटाफट नोट करिए और अच्छे से नोट करना है, देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपने भी करना है मन लगा के, जल्दी जल्दी नोट करिए। फिर और एडजस्टमेंट देखते हैं इसके अंदर, और कौन सा एडजस्टमेंट देखेंगे, फिफ्थ, फिर 5 के बाद 6, जैसे भी है चलता जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया ना? अभी डेटर इसमें मैंने मर्ज नहीं किया, विदाउट डेटर है ये, अभी डेटर वाले भी पॉइंट करेंगे, तो आप नोट करिए इसको पहले, ठीक है? सारा समझ में आएगा, नोट करते जाइए, रिकॉल करते जाइए फटाफट से। इनफैक्ट आज से मैं आपको होमवर्क भी देना चालू कर दूंगा, और होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। एसेट्स में ये लास्ट एडजस्टमेंट एक तरीके से मान सकते हो आप, फिर लाइबिलिटी पा जाएंगे, इतने एडजस्टमेंट है नहीं, नोट करिए आप। नोट करिए फटाफट, कर लिया नोट? चलो अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं, आपने नोट कर लिया है तो हम अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। मान लो पुरानी बैलेंस शीट में पहले से मैंने लेस करा हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मान लेते हैं 5,000, और 95 लिखा हुआ है, ये पुरानी बैलेंस शीट है, ठीक है ना? पुराने कभी 5,000 लेस किए हुए हैं। मैंने बोला क्रिएट चार्ज, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 5%, ठीक है? अब बताइए क्या आंसर होगा, हमें टोटल किसके बराबर बनाना था, 5%। बच्चे ने तो देखा एडजस्टमेंट इसे करना ही है, 5% कितना होगा हमारा, 5,000। पहले से कितना बना हुआ है, 5,000, बनाने भी कितने हैं हमें, 5,000। क्या मुझे और भी 5,000 बनाने चाहिए, या अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा? तो जवाब है इसका, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि डेटर पे 5,000 के बराबर प्रोविजन बनाओ, जबकि कितना बना हुआ है हमारा, 5,000 के बराबर ही बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मैं 6% बोलता तो 1,000 और मैं माइनस करता, ठीक है ना? तो इसकी कोई एंट्री करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे डाउट बोल रहे हैं, सर क्या ये 5% हम 95 पे नहीं ले सकते क्या? नहीं, हमेशा जो हम डाउट करते हैं वो टोटल डेटर पे करेंगे, ठीक है ना? जो डाउट करेंगे वो टोटल डेटर पे, ना कि रिमेनिंग डेटर पे करेंगे, ओके? तो आपका ये क्या है, 5%, अगर इक्वल अमाउंट आ जाए कभी कैलकुलेशन करने के बाद, और पहले से उतना माइनस करा हुआ हो, तो हमें उसका एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब हो गया, ये कौन सा था, ये फिफ्थ था, ये था हमारा फिफ्थ। अब नोट करिए इसको, इसके एंट्री कोई भी नहीं है, बस आपको कंफ्यूज किया जा सकता है सीबीएसई साइड से। चलिए फिफ्थ के बाद अब सिक्स करें,
सपोज करो मैंने यहां पे लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन, या फिर मैं थोड़ा सेंटेंस भी चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज पता चलता जाए। ये लो आपके लिए मिटा रहा हूं मैं ये, और यहां से भी मिटा देते हैं ना, पुरानी वाली बैलेंस शीट मिटा दो सर, मिटा दो। ठीक है, यहां से कुछ और अमाउंट डाल देते हैं, लेस लेस। अब बड़ा अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेटर। इसको रिजर्व फॉर डेटर भी बोलते हैं, आप ध्यान से देखना, रिजर्व फॉर डेटर भी बोलेंगे। ठीक है, 10,000 लिख रखा है मैंने, लिखा है यहां पे, ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस, रिड्यूस बाय 1,000, रिड्यूस बाय 1,000। आप थोड़ा सेंटेंस को देखिए, ये कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1,000 रुपए से कम करो। कहने का मतलब बड़े ही सिंपल वर्ड में बोलूं तो, जो हमारा 10,000 पहले से माइनस किया हुआ है, भाई 10,000 मत दो, दिखाओ आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 10,000, उसको 1,000 से कम करिए, ये कहना चाहता है ये। तो इसका मतलब जो हमने 10,000 दिखा रखा था हमने पुरानी बैलेंस शीट में, तो उसे 10 नहीं दिखाना, अब कितना दिखाना है पुरानी बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो 9। अब बताओ, अब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, पहले 90 था, अब 91। अब बताओ मेरे एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, पहले ओल्ड में कितने का एसेट्स था सर, 90 का, अब कितने का एसेट्स हो गया सर, 91 का। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस केस में, तो हमारा हो गया फायदा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमेशा नुकसान नहीं होता। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, यहां बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ऐसा नहीं बोला कि मेक अ प्रोविजन, के प्रोविजन बनाइए, बोलता है जो पहले से ही बना हुआ है उसको रिड्यूस कर दो भाई 1,000 से। उस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल इधर ना के बाय साइड में आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 के। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। मजा आ रहा है ना आपको, अच्छे से नोटिंग करना इसका, डेबिट और क्रेडिट। अब सबसे पहले मैंने डेबिट किसको करना है, रिवैल्यूएशन को या प्रोविजन को? आंसर इज के भाई क्रेडिट वाला आइटम यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल कम कर रहा है हमने, तो हमें करना पड़ेगा डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और क्रेडिट करना पड़ेगा किसको, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो उल्टा हो गया ये, एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर है, इधर ये बाय, तो बाय वाला डेबिट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर इधर होता है तो कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन टू जो भी इंफॉर्मेशन है। तो एंट्री होगा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कितने से, 1,000 रुपए से। कितने से होगा हमारा ये, 1,000 रुपए से। बींग क्या होगा, सेम बींग हम लिख देंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 1,000। समझ में आए? दोबारा एक बार रिपीट करूं मैं, कहने का मतलब था कि पहले से हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 बने हुए थे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भाई 10,000 मत रखिए, उसको 1,000 से कम करिए, ज्यादा दिखा रखे हैं आपने उसको माइनस करके। तो मैंने बोला ओहो, तो 1,000 से कम यानी अब कितने माइनस करूंगा, 9। तो पहले मेरा 90 था डेटर, माइनस करने के बाद अब 91, तो फायदा ही तो हुआ, तो फायदा इधर आ गया और उसकी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। चलो अब फिर से सेंटेंस चेंज करने जा रहा हूं मैं, अब रिड्यूस टू हो, टू का मतलब है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 का कर दो, टू का मतलब अब इतने का कर दो। मेरे सेंटेंस का जवाब देना और उसे ध्यान से भी सुनना आप, ठीक है ना? पहले से कितना है ओल्ड में, पूरा 10 और यहां पे 90, ठीक है ना? मैं पूरा आपके लिए दोबारा कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था। बोलता है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस टू,
1000, यानी जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको कम कर दो 1000 तक। तो सिंपल सी बात है, पहले 10000 है, कहां तक कम करना है? 8 नहीं करना, 9 नहीं करना, उसको 1000 करके दिखाओ आप। अच्छा, इसका मतलब पहले से 10000 है उसको 1000 करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही करना है आपने। तो पहले से हमारा कितना है 10000, इसको अब कितना करने को बोलता है ये 1000। अब आपको तो जवाब मिल गया होगा, जल्दी जल्दी फटाफट से जवाब दो। क्या हुआ? पहले कितना था 90000, अब कितना हो गया है सिर्फ 99। फायदा या नुकसान? जल्दी जल्दी जवाब दो सर। 9000 रुपए का यहाँ क्या होगा फायदा, है ना? पहले 90 का एसेट्स था, अब 99 का। तो सिंपल सा लॉजिक है, 9000 का फायदा होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हुआ? डेबिट में क्या करेंगे हम? डेबिट में करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन और एंट्री। ये हो गया, और यहां पे बस कर देंगे हम 9000 रुपीज। देखिए अब यहां पे क्या कर दिया मैंने, 9000 रुपीज। तो अगर बोलता है कि रिड्यूस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय, तो इस सिचुएशन में 2, तो यहां सिचुएशन है, ठीक है? अब इसको नोट करिए, 6 था ये, 7 हो गया ना, ये 7 हो गया। देखो कितने सारे एडजस्टमेंट, छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूं, और एक बार रख के उसको गो थ्रू भी करना है, कंपैरिजन करना है कि पहले वाले में ये था, अब वाले में ये है, फिर उस वाले में ये था, तो अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नोट करिए फिर, 7 के बाद मैं 8 पे आ जाता हूँ। सर कितने? बस ज्यादा नहीं है, एक दो और बचे, बस करवा दूंगा, चिंता ना करो, ज्यादा टेंशन मत लो। चलो करो फटाफट से अब आप ये। नोट कर लिया? चलिए अब अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं हम। ये हमारे पास एक पुरानी बैलेंस शीट है, सपोज करो इसी को पुरानी कर देते हैं, या यहां पे कर देते हैं हम 9000 या 5000 सपोज। है ना, 95। नाइन नाइन एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, मैंने क्या बनाया? मैंने लिखा रिजर्व फॉर क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर बाय एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमें डेटर पे कोई परसेंटेज बनाना तो है, लेकिन रेट नहीं बताएंगे हम आपको, रेट आपको ढूंढना पड़ेगा। यह है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट, ठीक है? तो रेट मैं आपको नहीं बताने जा रहा कि रेट कितना होगा, रेट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो रेट कितना होना चाहिए, तो हमें पहले पुराने वाले परसेंटेज को देखना होगा। तो आप ध्यान से देखो, 1 लाख पे कितने परसेंट है? 5000। तो पहले से कितने परसेंट कटा हुआ था? 5%। तो अब भी हमें कितना बनाना है? 5। तो ये देखो बड़ा ही सिंपल था कि आपने अंदाजा लगाया 1 लाख पे 5000 है, तो 5% है, डिजिट ऐसा है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो कैसे लगाते अंदाजा? तो इसका फॉर्मूला है रेट निकालने का। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है आपने। हम लिखेंगे ऊपर 5000 जितना था, डिवाइडेड बाय हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो कि है 1 लाख, जैसे इंडेक्स नंबर में करते थे, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रेट निकल के आएगा हमारा 5%, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब है कि हमें और भी क्रिएट करना चाहिए डेटर पे प्रोविजन, कितने परसेंट? सेम एग्जिस्टिंग रेट। तो एग्जिस्टिंग रेट कितना है? 5। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर बाय, बाय का मतलब और करो। तो पहले से क्रिएट करके 95 था,
तो और कितना करना है एग्जिस्टिंग 5%, तो अब जो 5% होगा वो हम इस पे चार्ज करेंगे 95, अगर कुछ ना बोला हो तो। अगर क्वेश्चन में बोलता है क्रिएट रिजर्व फॉर डेटर बाय एग्जिस्टिंग रेट ऑन रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है ये बोल दे तो वेरी क्लियर है कि रिमेनिंग बैलेंस पे करना है, यानी इस पे 5%। तो 95,000 पे मैं अगर 5% निकालूं तो 4750 आता है, 4750। समझ में आया आपको? तो हमें क्रिएट तो करना है, लेकिन हमें किस पे क्रिएट करना है, करना कंफर्म है इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि करना तो 100% श्योर है। सबसे पहला डाउट आता है सर किस रेट से करेंगे, तो आंसर हमें एक रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद किस अमाउंट पे करेंगे, तो बैलेंस तो निकाल लिया। तो अब बताओ हमारा नुकसान है फायदा है? तो देखो पहले अगर ये इसकी बात मैं करूं तो हमारा अल्टीमेटली नुकसान ही है, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का 4750। अब इसकी दो एंट्री करके बताओ फटाफट से, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखो अब नुकसान है तो डेबिट में क्या होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए नुकसान है तो डेबिट में रिवेल्युएशन, और क्रेडिट में किस बात का नुकसान है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि हमारे एसेट्स को कम कर रहा है। जनरल एंट्री निकल के आए हमारा रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट क्या होगा 4750। पुराना जो बना हुआ है उसे बना रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसने बोला और क्रिएट करना है हमें रिमेनिंग बैलेंस पे, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट, आपका जो अमाउंट गिवन है वो हमने कर दिया। समझ में आई बात आपको? अब नोट करिए 9 एडजस्टमेंट, इसके बाद हम अभी और भी करेंगे एडजस्टमेंट इसी के ऊपर, तो पहले इसको फटाफट से आप नोट करिए फिर आगे पॉइंट पे चलते हैं। पॉज करके नोट करिए आप, चाहे आपको मैं थोड़ा सा टाइम तो देता ही हूं वैसे, और मन लगा के साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए। चलिए अब 10वें एडजस्टमेंट पे चलेंगे हम, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और हम इसे भी मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, गुड। इसे भी मिटा दिया, लो जी अब 10वें एडजस्टमेंट। सपोज करिए ये दे रखा है, मैं क्या यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिख सकता हूं? हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लेते हैं दे रखा है मैं 2000, ठीक है, मैंने यहां बोला राइट ऑफ बेड डेट्स रुपीज 1000। तो इसका मतलब है कि पहले तो पुरानी बैलेंस शीट की बात करते हैं, अगर ये 1 लाख लिखा है और इस पे मैं प्रोविजन 2000 बना रहा हूं, तो मतलब मेरा संदेह है, मेरा डाउट है, डेटर का डाउट है, ये रहा मेरा डेटर, इसको डाउट है कि मेरे 2000 डूब जाएंगे, इसका तो मतलब सिंपल सा यही है। मैंने बोला कि इसमें से डूब गए, बैड डेट्स का मतलब डूब गए, डूब गए, कितने डूब गए 1000। तो मुझे डाउट कितना था भाई, डाउट था मेरा कि 2000 डूबेंगे, जबकि एक्चुअल कितना डूबा 1000, तो मेरा अंदाजा गलत हो गया ना। आप बताओ मेरा अंदाजा गलत हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर गलत हो गया। मैं कितना नुकसान मान के बैठा था सर 2000, एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ सर 1000। तो अब बताओ क्या करना चाहिए, जो नुकसान हमारे ज्यादा माना था अब मेरा फायदे में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया? तो अब हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में से हम डेटर में से माइनस करेंगे बेड डेट्स, बेड डेट्स, क्योंकि ये डूब गए, अब इधर नहीं लिखना, अब तो माइनस ही होना भाई, ये 1000 ये बच गया 99 का, और नई बैलेंस शीट में आप प्रोविजन की कोई जगह नहीं रहने वाली। तो एंट्री कहां कहां जाएगा और किस किस प्रकार से होगा और जनरल एंट्री क्या होगा, वो दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मेरा नुकसान हुआ, नहीं, क्या मेरा फायदा हुआ? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरा बेनिफिट हुआ है। कितने का बेनिफिट हुआ है ये बताओ, 1000 रुपए का मेरा क्या हुआ है यहां पे, फायदा हो गया 1000 रुपए का। तो एंट्री क्या करेंगे, 1000 का फायदा हुआ, क्योंकि अब ये 2000 तो खत्म कर दो ये लाइबिलिटी है ना, तो 1000 का फायदा तो बाय
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, खत्म करो 1,000 रुपए से इसको, ये होना है। आप खुद सोचो ना, आप 2,000 रुपये अंदाजा था और हुआ 1,000, तो 1,000 ज्यादा खर्चा माना था, तो उस खर्चे को खत्म करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स एंट्री। तो जिसको एक खर्चा माना था उसी को इनकम मान के हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर दिया जाता है। यहाँ पे दो जर्नल एंट्री क्रिएट होंगी क्योंकि दो आस्पेक्ट हैं, एक बैड डेट्स का और दूसरा अलग है हमारा, तो एक तो डेबिट करना चाहिए हमें और क्रेडिट करना चाहिए। सबसे पहले डेबिट क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मेरा डेबिट जो है ये पूरा का पूरा यहाँ लाइबिलिटी में था ना, पूरा ही हमने खत्म कर दिया, तो बिल्कुल, तो डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होगा, देखो एक हमारा डेटर कम हुआ है, अब ये एक्चुअल डेटर कम हुआ है या अंदाजे वाला है बताओ मुझे। सर ये एक्चुअल डेटर कम हुआ है, डेटर कम हो गया, ठीक है, किस वजह से, बैड डेट्स की वजह से, समझ में आ रहा है, एक्चुअल डेटर कम हुआ है और ये फायदा हुआ, तो क्रेडिट क्या होगा, हमारा एक्चुअल डेटर है तो डेटर क्रेडिट होगा, डेटर क्रेडिट होगा, ठीक है। और फायदा हो गया है, एक तो इसे क्रेडिट करना है, दूसरा हमें फायदा, डेटर पता है कितने से, एक 1,000 से क्रेडिट होगा, 1,000 नहीं 1,000 से क्रेडिट होगा। सेकंड हमारा फायदा भी होगा तो रीवैल्यूएशन भी क्रेडिट होगा। तो आप ध्यान से देखो, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का खत्म हो गया यहां से, 2,000। ध्यान से देखना फिर से, मैं अगेन कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पे कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, 2,000 का, और जबकि ये अंदाजा मेरा गलत निकलने की वजह से रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 2,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स खत्म करो, तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,000 से डेबिट। दूसरा मेरा डेटर भी कम हुआ, कितने का कम हुआ भाई, मेरा 1,000 का, तो डेटर मैंने कर दिया कम। तीसरा अब मेरा रिजर्व में फायदा भी कितना हो गया हमारा, 1,000 रुपए का। तो नाउ हमारा जर्नल एंट्री क्या क्रिएट होगा, यहां पे क्रिएट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर और टू रीवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन की वजह से तो हुआ है ये सारा काम। अमाउंट कैसे कैसे है, दो एंट्री भी कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर, और एक कर सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, दो एंट्री भी आप कर सकते हो। तो यहां पे 2,000, यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 1,000, और भी हम एंट्री करेंगे। तो ये देखिए, समझ में आया कुछ, आया ना, नहीं आया तो आप देखिए दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि पहले से मेरा जो डेटर था उस पे संदेह था कि 2,000 डूबेंगे, लेकिन सच्चाई निकल के क्या आई कि कितने डूबने जा रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही डूबेगा मेरा, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो 1,000 मेरा फायदा हो गया। तो ये प्रोविजन तो मेरा 2,000 का खत्म करना पड़ा, तो सारा का सारा डेबिट हो गया, और मेरा डेटर अब एक्चुअल कम होगा तो डेटर कितने का कम हो गया, 1,000 रुपए का, और मेरा फायदा हुआ 1,000 रुपए का इसकी वजह से। तो एंट्री क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट खत्म करने के लिए, डेटर क्योंकि डेटर माइनस हो रहा है क्या हुआ, 1,000, और रीवैल्यूएशन फायदे के लिए क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है फायदे के लिए, ठीक है। तो एक बार ये नोट करो, इस पे और भी मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा अभी, तो एक बार नोट करिए, पॉज करके मैं आपके सामने से हट जाता हूँ, एक बार फटाफट से नोट करिए, फिर मैं और सिचुएशन क्रिएट करूंगा यहाँ पे अभी, फिर आप मुझे जवाब देना। करा गया नोट, हाँ सर कर लिया। चलो अब मैं अगले सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, जैसे 1,000 है बैड डेट्स, मैं क्या करता हूँ सिचुएशन थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ये लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 वही लिखता हूँ, और ये हटा देते हैं, ठीक है, ये लो जी बन गया क्वेश्चन, इसे भी हटा देते हैं, क्या जनरल इसे भी हटा दे, लो जी लो, आपने बोल दिया, मैं सब हटा देता हूँ, ये लो इसे भी हटा देता, आपने इसके लिए भी बोला ये भी हटा दिया, खुश। अब मैंने बोला राइट ऑफ बेड डेट्स ₹2,000, अब बताइए क्या होगा, मेरा अंदाजा कितना था 2,000, और एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस अंदाजे को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइबिलिटी में, इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2K, एस इस तरीके से लिखा हो सकता है 98 की, समझे ना, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन करोगे तो ध्यान देना इस बात का कि किस स्टाइल में लिखा हुआ है और आपको समझना है। तो कहने का मतलब है भाई, बेड डेट्स हो गए आपके 2,000 और अंदाजा थे आपके 2,000, तो दो सटीक हो गया,
तो भाई सबसे पहले अंदाजा जो था अब वो एक्चुअल हो गया ना, जो पहले अंदाजा था वो एक्चुअल हो गया है। एक्चुअल का नाम क्या है, जब कभी भी हमारा अंदाजा होता है तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन जब एक्चुअल हो जाता है तो उसको हम बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अंदर क्या हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा नई बैलेंस शीट में। अब एक्चुअल जब हुआ तो मैंने लिखा बैड डेट्स कितने का, 2000 का, और ये आ गया 98,000 रुपीज। ठीक है, अब बताइए मेरा कोई प्रॉफिट लॉस हुआ क्या, पहले मेरा अंदाजा 2000 था और एक्चुअल में 2000 डूबे हैं, तो क्या नुकसान फायदा, तो नो, हमारा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो रिवेल्युएशन के नाम से कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि रिवेल्युएशन में फायदा या फिर नुकसान ही जाएगा। तो क्या हुआ सर, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होना, बिल्कुल होना है लेकिन रिवेल्युएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। डेबिट क्या होगा सर, ये जो हमारा पहले पुराने वाला प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया आपने, तो जो पहले क्रेडिट था उसको खत्म किया, तो डेबिट करिए। क्या डेबिट करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अरे बोलिए ना, जैसे मैं अगर मान लीजिए यहां लिखता हूं, वहां ना लिखने की वजह, बात तो एक ही था 2000, अब मैं बोल रहा हूं इसको खत्म करो, तो क्रेडिट वाले आइटम को खत्म करने के लिए क्या करूंगा मैं, डेबिट, कितने रुपए डेबिट करूंगा, 2000। अब डेटर मेरा एक्चुअल कम हुआ तो डेटर को कम करो, डेटर को कितने से कम करोगे, 2000 से। तो जर्नल एंट्री तो बना हमारा, जर्नल एंट्री क्या बना हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना, टू डेटर, ये आ गया हमारा 2000 रुपए, ये आ गया हमारा 2000 रुपए, है कि नहीं। जल्दी जल्दी एक बार नोट करिए, ये केस नंबर 11 था ना, चलो 11 कर दिया मैंने, ये नोट करिए, मतलब कि बस अब आप मान के चलो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ बस एडजस्टमेंट आ जाए, फिर 4-5 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं आपको, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और बाकी फिर छोटे छोटे जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट बच जाएंगे, मेन एडजस्टमेंट हो गया। और ये हम लंबी तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है एडमिशन वाला, जो भी आपके बुक में चैप्टर है एडमिशन, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट भी इसी से होगा, डेथ भी इसी से होगा, डिसोल्यूशन भी में भी काम आएगा कहीं ना कहीं ये। ठीक है, अब नोट करिए इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करिए आप, कर लिया नोट, चलिए पॉज कर देते हैं और आप नोट करिए फटाफट। कर लिया, चलो जी सर अब क्या नई चीज डालोगे, देखते जाओ मैं क्या क्या नई चीजें डालूंगा, यही तो है, मैं हर एस्पेक्ट कवर करना चाहता हूं, आपके सीबीएसई में एक नंबर रह ना जाए, मुझे पूरे मार्क्स आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके आएंगे। अब मैंने बोला यहां पे, अब ये 3000 है और पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है मेरा 2000। अब बताओ क्या हुआ, मेरा अंदाजा था कि 2000 डूबेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में रिजल्ट क्या आया, मेरे कितने डूब गए, 3000 रुपए डूब गए। तो नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर मेरे डेटर जो है वो नुकसान हो गया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको खत्म करा जाए, तो इसको खत्म करेंगे तो डेबिट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, इसके बाद इसको लो खत्म कर दिया, अब नुकसान कितने का बुक करो, लेस बैड डेट्स सर 3000 करो, तो 97 आ गया। तो हमारा डेटर कितने से क्रेडिट हो जाएगा बताओ, ये तो हमारा डेबिट हो गया 2000 से, और डेटर कितने से क्रेडिट हो गया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सर, डेटर तो 3000 का क्रेडिट हो गया। अब नुकसान हुआ ना, तो नुकसान यहां दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का हमारा नुकसान हो गया, जी हमारा नुकसान हो गया 1000 रुपए का। ठीक है, अब ये नुकसान जो है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है या बैड डेट्स की वजह से हुआ है, सर ये बैड डेट्स की वजह से हुआ, तो नाउ यहां पे हमें लिखना पड़ेगा बैड डेट्स, अब लिखना पड़ेगा बैड डेट्स, ध्यान दीजिएगा, तो एक डेबिट होगा हमारा बैड डेट्स 1000। अब जनरल एंट्री देखो इतने आराम से हम करेंगे, सब समझ में आएगा जनरल एंट्री में, मैं बोलूंगा मेरा पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं रहा, मेरा पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो क्रेडिट में लिखा था नहीं रहा, कितने का, अकाउंट डेबिट कितने का, 2000 का, और मेरे ऊपर टेंशन बैड डेट्स और बढ़ गया, अंदाजे से ज्यादा हो गया,
कितने का? 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। और ये सारा का सारा कहाँ चला गया हमारा? जो बैड डेट्स बढ़ गया ये कहाँ चले गया? आपका डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया। कितने का डेटर कम हो गया? सर डेटर जो मेरा कम हुआ है वो डेटर कम हो गया मेरा 3,000 रुपये से। ये देखिए मैं दो जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा इसका। तो ये देखो लॉजिकली देखो तो हमारा ये खत्म हुआ, बैड डेट्स हो गया, डेटर हो गया, ये एंट्री हो गया हमारा। अब नुकसान है, नुकसान की एक अलग से एंट्री करनी पड़ी। क्या इस एंट्री से देख के कहीं नुकसान पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है इस एंट्री से देख के। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन का नाम ही नहीं आया। तो अगली एंट्री में क्या करने वाला हूं, एक और एंट्री कर सकते हैं हम, रिवॉल्यूशन टू बेड डेट्स। अब ये हुआ नुकसान कितने का? 1,000 का। तो अल्टीमेटली देखो तो हमारी एंट्री जो होगा बेड डेट्स से बेड डेट्स मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवॉल्यूशन। बाकी दो एंट्री कर दो, नॉट इश्यू, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो नुकसान हुआ इस एंट्री को, उसके बाद मैंने उस बेड डेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रिवेल्यूएशन में लॉस बुक कर दिया। तो एक बार फटाफट से नोट करिए, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कुछ बच्चे मुंह बना रहे हैं अपना, इधर उधर देख रहे हैं, फेस का एक्सप्रेशन अच्छा सा नहीं लग रहा। देखिए मेरा पहले अंदाजा जो था वो था 2,000, लेकिन डूब गया मेरा 3,000। तो इसका मतलब मेरा डेटर कितने से कम होगा? 3 से ही होगा एक्चुअल में, तो मेरा डेटर 3 से कम कर दिया। उसके बाद मेरा 1,000 का लॉस होगा, 1,000 से लॉस कर दिया, ठीक है? और जो पुराना प्रोविजन है वो तो चला ही गया इसको कंपनसेट करने में, तो प्रोविजन 2,000। तो लॉजिकली देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा खत्म हो चुका है, इसलिए क्या हुआ? डेबिट हो गया। बैड डेट्स और बढ़ गया है कितना? 1,000 रुपये का, और मेरा डेटर चले गया 3,000 रुपये का। एंट्री समझ में आए? इसके बाद इस एंट्री को बुक करने के लिए हमने एक और एंट्री करा, रिवेल्यूएशन टू बेड डेट्स। बाद बाकी आप चाहो ये एंट्री को ना करना, नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट एंट्री करने के लिए यहां पे आप सीधा रिवेल्यूएशन अगर कर देते हो तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंट्री आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? बाकी दो करोगे तो थोड़ा डिटेल एंट्री है। अब नोट करिए, 11 है या 12 है, मेरे दिमाग से निकल गया ये, तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा है 12, ये हमारा है 12, ठीक है? इसके बाद 13, 14 करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार नोट करिए आप इसको, फिर देखते हैं हम आगे। और क्या बताओगे सर, और क्या बताएंगे? चलो नोट कर लिया आपने, तो अभी तो देखो मैं आपको जब तक पूरा मुंशी ना बना दूं। अब मुंशी क्या होता है? अरे जो अकाउंटेंट होते हैं वो मुंशी होते हैं, मुंशीगिरी सिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। आप जब एक बार सीख जाओगे मुंशीगिरी, फिर देखना कितना मजा आएगा, जीवन एकदम आनंद हो जाएगा। मैंने बोला सपोज करो 1,000, और मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है मेरा 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 2,000। सर ये तो पहले भी कराया, अभी देखो ना मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं 1,000 एंड एंड मेक प्रोविजन। ओहो, मतलब इसमें ऐड कर दिया मेक प्रोविजन। मान लेते हैं हम, या एक काम करता हूं मैं, इसको 10,000 कर देता हूं, ठीक है? एंड मेक प्रोविजन 5%। सिंपल, आपको समझाने के लिए मेक प्रोविजन 5%, ठीक है? अब होगा क्या, ये मेरा ओल्ड बैलेंस शीट है, तो सबसे पहले मेरा बैड डेट्स हो गया। पहले से मैं कितना सोच के बैठा था कि मेरा बैड डेट्स कितने का होगा? तो आंसर है सर आप पहले से 10,000 सोच के बैठे थे, लेकिन हुआ कितना मेरा? 1,000। अब नई बैलेंस शीट मैं बनाने जा रहा हूं, आप पुरानी बैलेंस शीट को नोट कर लो पॉज करके, फिर याद कर, मैं उसके सामने बनाने जा रहा हूं। तो अब नई बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, तो ये 10,000 काम नहीं आएगा। सबसे पहले मैं यहां माइनस करूंगा बेड डेट्स 1,000 रुपए, तो बचे कितने? 99। इसके बाद प्रोविजन 5% जो है ना वो इस पे बनाएंगे, प्रोविजन फॉर, ये माइनस होते हैं ठीक है ना, ये लेस होता है, तो 5%। ओहो साफ साफ नहीं दिख रहा, लेस
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये लो। अब दिखा 5%, तो इसका अगर मैं 5% निकालूं सिंपल लैंग्वेज में तो 99,000 का 5% आता है 49,950। बैलेंस अगर मैं निकाल दूं तो 94, 49,000 कितना होता है नालायक, 4950 ये आया। अब देखो रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूँ यहाँ, ये मैं डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, डेबिट क्रेडिट चलो हटा देता हूँ आपके सामने से। सबसे पहले प्रोविजन की बात करता हूँ मैं, प्रोविजन मैं बना के बैठा था 10,000 का, 10,000 में 1,000 रुपये तो कट गए बेड डेट्स के नाम से, तो मेरे प्रोविजन 9,000 रहने चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे प्रोविजन 49,950 बचाओ, 49,950, तो मेरे प्रोविजन सिर्फ 49,950 पहले पुराने बैलेंस शीट के हिसाब का मतलब है कि 9,000 प्रोविजन बचाओ, लेकिन एडजस्टमेंट बोलता है भाई तुम क्यों 9,000 बचा रहे हो, ज्यादा प्रोविजन क्यों बचा रहे हो, क्यों अपना नुकसान करने पे तुले हुए हो, आप बचाओ 49,950। तो इसका मतलब है 49,950 अगर बचाएंगे, ओहो 9,000 माइनस में 49,950, तो 40,50 मत बचाओ, मत बचाओ बचाओ, ठीक है ना। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है, इस चीज को समझे अगर हम, तो ये वाला हमने एक्स्ट्रा बना रखा है, तभी तो बोल रहा हूं ये क्यों कर रहे हो। अच्छा, यानी पहले हमने प्रोविजन 4,050 का एक्स्ट्रा बना रखा था, जब पहले मैंने 4,050 का एक्स्ट्रा बना रखा है तो ये फायदा है, तो यहां आ जाएगा भाई। इसके अंदर कैलकुलेशन जब तक नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा 4,050 का, ठीक है। इसके बाद यहां से तो मैंने कर दिया, सारा मेरा काम हो गया डन, इतना समझ में है। बहुत सिंपल तरीके से लेना है, पहले हम कहीं पे वर्किंग नोट में लिख लेंगे टोटल कितना बेड डेट्स हुआ माइनस कर लिया, और कितना होना चाहिए कैलकुलेशन से देख लिया, बाकी जो बैलेंस है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट करिए पहले, इसका एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। वैसे आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, दो जर्नल एंट्री के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए, कर लिया नोट। अच्छा, तो इसको दो जगह ले जाना चाहिए हमें, और सारी एंट्री तो दो ही जगह जाती है हमारी, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, दो सिचुएशन में, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जो है वो कितना आएगा और क्रेडिट साइड में कितना आएगा, वो सबसे पहले आप मुझे जवाब दो, क्या हमारा पुराना प्रोविजन खत्म हुआ या नहीं हुआ है। दिख रहा है पुराना प्रोविजन, नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी स्टिल हमारे पास कुछ प्रोविजन है ना, ये वाला प्रोविजन तो है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे पूछूं कि हमारा टोटल प्रोविजन कितने का खत्म हुआ, तो आपका जवाब होगा कुछ इस तरीके से, सर पुराना जो 10,000 था वो खत्म हुआ, 49,950 बन गए, तो इसका मतलब पुराना प्रोविजन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप देखो समझो, पुराना 10,000 था, 1,000 बेड डेट्स में खत्म हो गया, और ये खत्म हुआ, ये वाला ना खत्म हुआ है जो कि यूज हुआ, और 4,050 हमें यूज ही नहीं करने, ये तो फालतू में बना रखा है, तो 4,050 ये। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,050 रुपये डेबिट होना चाहिए। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आया समझ में, ओके दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपको डिटेल एंट्री में लेके चलूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। सर पुराने वाला यहां से तो हटा ही दिया ना हमने, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का कैंसिल, इसलिए डेबिट, ठीक है। डेटर कितना क्रेडिट होगा बताओ। सर डेटर क्रेडिट होगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 से, ठीक है। और बताओ कुछ नई बातें, क्या हमने कोई प्रोविजन भी क्रिएट किया है। हाँ सर, आपने लेटेस्ट प्रोविजन क्रिएट करा है, लेटेस्ट प्रोविजन जो कि यहां माइनस का मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट जो किया है, नए वाला, ये नया वाला है न्यू वाला, और ये क्या है हमारा ओल्ड वाला है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो डेबिट किया खत्म करके और एक नया बना लिया, तो अल्टीमेटली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इंपैक्ट क्या आया। 10,000 मैंने खत्म किया
और यानी डेबिट किया और 4950 क्रेडिट किया, तो ज्यादा अमाउंट किधर बचता है, डेबिट में क्रेडिट में? 10,000 डेबिट है और 4950 क्रेडिट है, तो डेबिट में ज्यादा बच रहा है ना, कितना ज्यादा बच रहा है? तो सर ये दो दो बार लिखें अगर मैं एंट्री करूं इसको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट टू प्रोविजन, फिर रिवेल्यूएशन करूं, तो बार बार दिक्कत हो जाएगी। तो बड़े ही साधारण शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि भाई एक तो ये डेबिट कर ही रहे हो, ये क्रेडिट कर रहे हो, तो क्यों ना हम इन दोनों का माइनस करके डिफरेंस ले लें, रेक्टिफिकेशन में जैसे करते थे, तो माइनस करके देखो क्या आएगा, आएगा सर 5,050 रुपए, और ये वाला हट जाएगा क्योंकि ये तो माइनस हो गया। अल्टीमेटली एंट्री हमारे पास क्या बन गया है, ये देख रहे हो, ठीक है। और क्या क्रेडिट होगा, फायदा क्रेडिट होगा रिवेल्यूएशन, और रिवेल्यूएशन ऑफ फायदा 4,050 का। ये फायदा कैसे निकाला था, स्टार्टिंग की कैलकुलेशन नोट की थी आपने, ठीक है। अब एंट्री देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5050 माइनस, एक बार सब्सट्रैक्ट ठीक से कर लेना, हो सकता है मे भी गलत हो। ठीक है, 5050 टू डेटर, डेटर कितने का कम हुआ बताओ, 1000 का, और टू रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन कितने का गया, 4050 का। ये एंट्री, दो एंट्री कैसे करोगे, एक बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर 1,000 रुपये से कर दो, और फिर बाकी कर दो आप 4,050 से रिवेल्यूशन, मतलब ये वाली एंट्री अलग कर दो और ये वाली एंट्री अलग कर दो। समझ में आई बात आपको? हाँ जी सर। तो अल्टीमेटली और शॉर्टकट में देखें तो हमने जब वर्किंग नोट ये कैलकुलेशन किया तो एक बार इसकी एंट्री करनी है रिवेल्युएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक बार इसकी एंट्री करनी है मुझे रिवेल्युएशन टू डेटर, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर 1000। तो मैं अगर सर्कल करूं, एक एंट्री इसकी करनी होती है और एक एंट्री इसकी करनी होती है। ये कैलकुलेशन से आता है, कहां कैलकुलेशन से आता है, पहले हमने स्टार्टिंग में देखा, उसके बाद ये जनरल एंट्री निकल के आया। ओके सर, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ बच्चे थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है आप इतने होशियार हो कि इसे बार बार रिपीट करके देखोगे भी और मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे और आप इसको पूरे जीवन भर याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। 12 कर लिया, आराम से नोट करिए तसल्ली से, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए इसे मैंने मिटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या डाला जाए नेक्स्ट पॉइंट में, इसको भी मिटा देते हैं आपके लिए, है ना, आपको आदत है शुरू से सारी चीजें देखने की, तो इसीलिए मैं यहां कर देता हूं। ये लो, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें? सर एक काम करो ना, आप प्रोविजन, मेक प्रोविजन 9000 कर दो ना, तो देखो कितना मजा आएगा। चलो ये कर देते हैं आपके लिए, मेक प्रोविजन परसेंटेज ना देके 9000 रुपीज। तो ओल्ड प्रोविजन तो मैंने लिखा ही नहीं, ये लो लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपीज, हाँ सॉरी 10,000। तो पुराना कितना प्रोविजन था हमारा, 10,000, जिसमें से कितना डूबा, यानी अंदाजा कितने का था, 10 का, डूबा कितना, 1 का, तो आपका प्रोविजन बता कितना, 9 का, और क्वेश्चन बोलता है 9,000 का बनाओ, तो भाई 9 का तो बना हुआ ही है, एक डूबने के बाद तो 9 तो बना हुआ ही है ना, तो क्वेश्चन बोलता है 9 बनाओ, तो क्या गलती हुई, क्वेश्चन तो क्लियरिटी दे रहा है, तो क्या यहाँ कोई फायदा नुकसान दिख रहा है, नहीं। अगर बनता हमारा 9 का और क्वेश्चन बोलता 10 बनाओ, तब 1 का नुकसान हो जाता, अगर बच रहा है हमारा 9 का, क्वेश्चन बोलता 8 बनाओ, तो 1 का फायदा हो जाता, यहाँ पे बोलता है 9 का बचा 9 बनाओ, ओहो वाह क्या बात है। तो लेस बेड डिट्स, पहले 1000, बचा कितना हमारा 99, और न्यू प्रोविजन जो क्वेश्चन बोलता है 9 के, अब बच गया 90,000। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि ये तो खत्म हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 10,000 रुपये का खत्म, और हमारा डेटर कितने का कम हुआ, सर डेटर जो कम हुआ है आपका वो हुआ है 1K का। ठीक है, न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, न्यू प्रोविजन
9K। अब मैंने बोला आपको कि भाई न्यू प्रोविजन और पुरानी प्रोविजन को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका पुराना प्रोविजन कितने का था, 10 का, नया कितना बनाना है, 9। तो आपका डेबिट ज्यादा आ रहा है ना, सॉरी पुराने वाला प्रोविजन आपका ज्यादा आ रहा है ना, तो पहले प्रोविजन क्या था हमारा, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूज हो, तो डेबिट कर दिया, खत्म कर रहे हैं इसको क्रेडिट। तो पहले प्रोविजन कितना डेबिट करा हमने, 10, और अब कितना किया मैंने, नया बनाया 9। तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए का तो ज्यादा डेबिट रह गया ना, तो इससे ये कैंसिल अगर करोगे आप इससे और इसको, तो 1,000 का प्रोविजन बचेगा। तो मैं इसको हटा दूं, देखो टिक टिक टिक, ये गया और बचा कितने का, 1 का। लो जी जनरल एंट्री हो गया, इसमें कोई एंट्री गई नहीं, तो एंट्री हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर, टू डेटर कितने रुपए का, 1,000 का। बीइंग आप सिंपल जो स्टेटमेंट लिखा है ये पूरा लिख सकते हो, बैड डेट्स राइट ऑफ और मेक अ प्रोविजन ₹9,000। कौन सा था भाई ये, 13, 13। अब 14 भी देखेंगे, चलिए नोट करिए इसको भी, 14 के बाद फिर कुछ मिसलिनियस देखेंगे, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट, अब 14 देखते हैं 13 के बाद, है ना 14। अब थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज का आप थोड़ा मैनेज कर लेना 14। अब क्या करने जा रहे हैं सर आप, सर जो मैं करने जा रहा हूं वो देखो, मेक प्रोविजन 20% कर देते हैं, 20% कर देते हैं। ओहो 20% क्या सर, नई नई काम करते रहते हो, हम कंफ्यूज होते रहते हैं। ये लो इसे हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, आप ये मत समझो कि सर उसी में बदल रहे हो, क्वेश्चन ये है न्यू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप, अब समझेंगे जब नोट करोगे। तो पहले पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है हमारा, 10,000, जिसमें अंदाजा ये था 10 का, और डूबा कितना मेरा, 1 का। तो इसका मतलब स्टिल मेरे 9,000 मैंने ज्यादा बना रखे हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 20% नया वाला बना लो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो बैड डेट्स माइनस कर देंगे, लॉजिकली बैड डेट्स 1 माइनस कर दिया, बचा कितना 99। अब नया बोलता है 20% बना के दिखाओ, तो 99 पे अगर मैं 20% निकालू तो 19,800 बनाना है न्यू प्रोविजन, 19,800, ठीक है ना, न्यू प्रोविजन 19,800, ये माइनस होगा यहां। अब मुझे सिंपल बताना, सिंपल के यहीं पे मैं करता हूं, आप मुझे रिजल्ट दोगे आपको फटाफट से पता चल जाएगा नुकसान या फायदा। आपके पास प्रोविजन बचा हुआ कितना है, टोटल आपके पास कितना था प्रोविजन पुराने वाला, 10, इसमें से तो 1,000 बेड डेट्स में चला गया, तो बचे कितने, 9। लेकिन नया बोलता है 19,800 बनाओ, तो भाई न्यू अगर आप बनाते हो यहां पे 19,800, तो नुकसान नहीं हो गया आपका, आपके 9 होने चाहिए थे और आप बनाने जा रहे हो 19,800, तो नुकसान नहीं हो गया। कितने का नुकसान हो गया सर, 10,800 का नुकसान हो गया, है ना, 10,800 रुपए का नुकसान हो गया। तो 10,800 का नुकसान हो, तो यहां दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का दिखाएंगे, 10,800 रुपए का। समझे बात को, फिर दोबारा देखो आप, पहले कितना हमारा था 10,000 का, 10,000 में से 1,000 का तो बैड डेट्स हुआ, तो अभी भी आपके पास 9,000 का प्रोविजन आपने एक्स्ट्रा बना रखा है ना, लेकिन जब एक्स्ट्रा एक्चुअल में कितना बनाना चाहिए वो पता चला 19,800, जबकि बना कितना रखा है 9,000, तो और कितने बनाने हैं 10,800, तो नए वाला तो फालतू बन गया, तो इसलिए लॉस हो गया, है कि नहीं, ये वाला हट गया सारा। अब इसको देखते हैं आगे क्या करेंगे, तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट करते हैं, पुराने वाले को खत्म करो, हटाओ जी, नए वाले की बात करते हैं। सबसे पहले तो डेटर को कम करो, ओके सर डेटर कितना कम करना है, डेटर 1,000 रुपए का कम करो, उसके बाद न्यू प्रोविजन कितने का है बताओ, न्यू प्रोविजन हमारा 19,800 का, तो अब मुझे बताओ प्रोविजन किधर आ रहा है, किधर भारी पड़ रहा है प्रोविजन, जल्दी जल्दी बताओ प्रोविजन किधर,
डेबिट में 10 और क्रेडिट में 1900, तो 9800 रुपीज जो है वो कहाँ पड़ रहा है हमारा, क्रेडिट में ही तो पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम इसे अगर हटा देते हैं और यहाँ पे 98 लिख देते हैं, तो कोई कोई समस्या है बताओ हमें, क्या कोई समस्या आ रहा है? नहीं आ रहा सर। तो एंट्री क्या होना चाहिए हमारा, प्रोविजन क्या हुआ और हमारा क्रिएट हो गया, डेटर क्या हो गया और हो गया, तो ये क्या है हमारा क्रेडिट, और नुकसान कितने का है हमारा रिवेल्युएशन से, डेबिट क्या होगा हमारा रिवेल्युएशन, एंट्री होगा हमारा रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन पूरे 10,800 का नुकसान, मेरा डेटर कम हुआ, मैं नेट एंट्री कर रहा हूं बच्चे ये 1000, अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9800, चेक करिए, बिंग तो वही लिखना है आपने, समझ में आया? तो देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस जितने भी हो सकते थे मैंने कोशिश किया करवाने का, हो सकता है इसमें से कुछ आपको अटपटा लगे, और इतने सारे बुक के अंदर भी नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी बुक ढूंढ लो दुनिया की नहीं मिलेंगे इतने सारे और इस तरीके से एक जगह। मैं बस आपके नोट्स बनवा रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में हमेशा पूरी लाइफ याद रहे। तो एक बार फटाफट से नोट करो ये, और ये 15 है मेरे ख्याल, और एक दो नंबर आगे पीछे हो रहा है, तो जो भी नंबरिंग आ रहा है उसके हिसाब से नोट करो, और नोट करने के बाद फिर एक लास्ट एडजस्टमेंट रह जाएगा, लास्ट एडजस्टमेंट के बाद इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। तो आज हम एसेट्स को खत्म कर लेंगे और कल वाली क्लास में यानी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में लाइबिलिटी पे बात करेंगे हम। तो जल्दी जल्दी एक बार नोट करो, मैं हट जाता हूँ आपके सामने से, आप बोलते रहते हो हट जाओ सर, मैं हट जाता हूँ। हो गया, कर लिया नोट, चलो मिटा देता हूं सर, मिटा दो, ठीक है बच्चे मैं मिटा देता हूं। या फिर एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट देखो क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा पजल हो गए, थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, देखो कितनी जल्दी आवाज आ रही है, हाँ सर हाँ सर, तो इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं इस एडजस्टमेंट को। हम अगली एडजस्टमेंट जो करेंगे एक थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा अगर आप अगली क्लास में थोड़ा सा आप देख लेना, नहीं तो मैं तो कराऊंगा पूरे डिटेल में। तो अगला एडजस्टमेंट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिए, और आप बुक में भी ढूंढना, ट्राई करना, कोशिश करना कैसे जनरल एंट्री नहीं है और उसको नेट करने की कोशिश करना, ठीक है? चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से मेहनत करिए, हेल्दी रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, और पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।